Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester, subject marketing management, and topic is basis of segmentation. In last lecture, we have to discuss what is segmentation and what are the importance of segmentation. So in this lecture, we have to discuss on what basis the market is segmented. We already know that the market segmentation is that the division of the market into subgroups. On the basis of that, the marketing activities is to be carried easily. So on what basis it should be bifurcated or divided, it depends upon company to company. We cannot say that all the company should follow these types of pattern. Maybe some company follow these types of pattern, some company maybe follow the mix of this pattern, but definitely they should follow the segmentation policy. Without market segmentation, no company can enter into the market. Even if entered, the company is not getting much success. So we will discuss the basis of segmentation, on what basis market is to be segmented. So first one is the geographic segmentation. What includes in geographic segmentation? In geographic segmentation, it needs to study the geographical area. Means company ka product is type ka hai ki geographical, they have to get the locational advantage. यानी उनको एक लोकेशनल एडवांटेज मिल रहा है. सपोज फॉर एग्जांपल अगर होटल इंडस्ट्री है तो हिल स्टेशन या हिल एरियाज जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, इस टाइप के एरिया में उनके अगर होटल्स है तो इट इज़ अ एडेड एडवांटेज फॉर दी टूरिज्म सेक्टर. यानी उनका जो टूरिज्म है उनको एक एडिशनल एडवांटेज है. तो दे शुड कीप देयर प्राइजेस इज एज हाई एज पॉसिबल. ऐसा क्यों? क्योंकि दे हैव गेटिंग दी जियोग्राफिकल लोकेशनल एडवांटेज. उनको एक जियोग्राफिकल लोकेशनल एक एडवांटेज मिला है और वो एडवांटेज रहने की वजह से उस टाइप का क्लाइमेट, उस टाइप की लोकेलिटी दूसरे तरफ नहीं रहने की वजह से ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया जो टूरिस्ट है वो वहाँ पर आते हैं. दैट मीन्स पीपल डोंट हैव एनी चॉइस. वहाँ पर होटल्स की जो है वो कमी होती है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी लोग फिर वहाँ पर जाते हैं. तो इसलिए वहाँ पर एक अच्छा जो प्राइस है उनको मिलता है. तो जियोग्राफिकल लोकेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब हर इंडस्ट्री में ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में जो है ये जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है. और जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो है वो कंपनी जो है आगे की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज डिफाइन करती है. इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. उसके बाद में है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान में रखना है. कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इंक्लूड्स, तो इसमें क्या क्या आता है. बेसिक हम देख लेते हैं, एज है, जेंडर है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है, रिलीजन है, यानी बेसिक एटीट्यूड है. उसके बाद में जो है एट्रीब्यूट्स है, दीज आर इंक्लूडेड इन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. वी विल डिस्कस वन बाय वन. इसके पहले के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन अगर या सेगमेंटेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एज. मैंने पहले ही बोला था कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है उस पर कंपनी की स्ट्रेटजीज जो है वो निर्भर करती है कि कंपनी का प्रोडक्ट कौन से एज ग्रुप के लिए है. कंपनी का प्रोडक्ट अगर छोटे बच्चे के लिए हो, मतलब 5 साल का बच्चा है और उसके लिए अगर प्रोडक्ट बनता है कंपनी का, कि कंपनी की पूरी स्ट्रेटजीज वो बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करके होती है या उनके माँ बाप को कंसिडर करके होती है, क्योंकि जनरली उनको जो प्रोडक्ट लेके देने वाले हैं उनके माँ बाप होते हैं. तो वो दोनों को कॉन्सेंट्रेट करती है, एक बच्चे के एज ग्रुप को भी कॉन्सेंट्रेट करती है और उनके माता पिता जो वो चीज़ उनको लेके देने वाले हैं उन दोनों को कॉन्सेंट्रेट करती है. या कई बार ऐसा होता है कि एक आधा प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलर
एज ग्रुप के लिए हो यानी यंग जनरेशन के लिए हो, ऐसा मोबाइल हैंडसेट जिसमें बहुत सारे फीचर्स यंग जनरेशन को लेके है, तो उनका जो प्लानिंग है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो पूरी जनरेशन के ऊपर, वो पर्टिकुलर एज ग्रुप पर वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर एज फैक्टर जो है, कौन हमारा प्रोडक्ट कौन से लोग लेने वाले हैं, वो बच्चे हैं या यंग पर्सन हैं या फिर जो है बुजुर्ग है, तो उस पर से कंपनी अपनी स्ट्रेटेजीज जो है वो डेवलप करती है। इसलिए एज ग्रुप देखना, लेकिन एज काहे में आता है, ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है। उसके बाद में जेंडर, कई बार हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जेंडर वाइज रहते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट जो है वो फीमेल के लिए रहते हैं, कोई प्रोडक्ट जो है मेल के हिसाब से रहते हैं, जैसे शेविंग क्रीम या शेविंग ब्लेड जो है तो वो पर्सन के हिसाब से, मेल पर्सन के हिसाब से है। तो उनको कॉन्सेंट्रेट करके कंपनी की जो है वो हर जो प्लानिंग है उनको नज़र में रखते हुए जो है वो प्लानिंग रहती है। या बहुत सारे जो है वो कॉस्मेटिक्स हैं, तो कॉस्मेटिक्स जो है बहुत सारे मैक्सिमम जो है फीमेल यूज़ करती है, ऐसा अपन मान के चलते हैं कि फीमेल ज़्यादा वो इस्तेमाल करती है। तो जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनके दिमाग में बिल्कुल वो जो ग्रुप है उनको ध्यान में रख के उनकी पूरी स्ट्रेटजीज उस टाइप से रहती है। इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट जो भी है वो एडवर्टाइजमेंट भी बराबर उसी प्रोग्राम के बीच में आता है जब जो महिलाएं जो प्रोग्राम ज़्यादा देखती है, यानी सब जो है प्लानिंग उनको कॉन्सेंट्रेट करके रहती है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपना प्रोडक्ट कौन से इनकम ग्रुप के लिए है। हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनकम को भी अलग अलग, जितना माइक्रो लेवल पर आप उसको डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी को अच्छा होगा अपनी पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए। तो इनकम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि मिडल इनकम ग्रुप, अपर मिडल या हायर इनकम ग्रुप, तो उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट, अगर अपना प्रोडक्ट अगर 5 लाख 10 लाख का है तो हायर इनकम ग्रुप जो है हमारा टारगेट मार्केट रहेगा, या फिर हमारा प्रोडक्ट जो है इस प्रकार का है 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये का है, तो सभी जो है हायर इनकम वाले भी लोअर इनकम वाले भी अपना टारगेट टारगेट ग्रुप होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का है, हायर लेवल इनकम ग्रुप के लिए है, मिडिल लेवल के लिए है या लोअर लेवल इनकम ग्रुप के लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेंट्रेट करके कंपनी जो है वो सभी जो प्लानिंग है उनको कॉन्सेंट्रेट करके करती है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी किसका ऑक्यूपेशन, कस्टमर का ऑक्यूपेशन। हमारे कस्टमर जो है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है। बहुत महंगा प्रोडक्ट अगर है 10 लाख 20 लाख 25 लाख, जैसे मर्सिडीज़ है, तो मर्सिडीज़ जो है मर्सिडीज़ कौन लेते हैं, बहुत हायर इनकम ग्रुप वाले, एक तो बिजनेसमैन हो सकता है या क्लास 1 है क्लास 2 ऑफिसर, यानी ये ऑक्यूपेशन में क्या आ गया, एक तो सर्विस क्लास आ गया, सर्विस भी कौन सी हायर ग्रेड यानी क्लास 1 की, या फिर बिजनेसमैन। तो ये ऑक्यूपेशन बहुत जरूरी है कि ऑक्यूपेशन किस प्रकार का है, हमारे कस्टमर कौन से, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, वो क्या करते हैं, ये इसलिए कि कंपनी उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग से लेके मार्केटिंग से लेके प्राइस से लेके ईच एंड एवरीथिंग शुड बी फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस। उसके बाद में रिलीजन, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीजन के हिसाब से वो बेचे जाते हैं, वो भी कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद में एटीट्यूड, किस प्रकार का कस्टमर का एटीट्यूड है। उसके बाद में एट्रीब्यूट्स, तो किस प्रकार का एट्रीब्यूट्स कस्टमर का है। तो ये जो है हर जो फैक्टर है उसका स्टडी किया जाता। तो पहला क्या था, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, दूसरा क्या देखा हमने, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, तीसरा है साइक्लोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइक्लोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या आता है, साइक्लोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, वैल्यू, देन लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। तो कई सारे ऐसे पर्सन हैं, एक बार फिर से देख लो, साइक्लोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या आता, लाइफस्टाइल आता, हम बोलते हैं ना कि इसका लाइफस्टाइल ऐसा है, पर्सनैलिटी। कई सारे ऐसे पर्सन हैं जो बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे कितना भी महंगा हो, वो ठान लेते हैं कि वॉच जो है वो टाइटन की यूज़ करना है वो टाइटन की ही यूज़ करना है, या जो शूज़ है वो एडिडास का यूज़ करना है तो एडिडास का ही यूज़ करना है। तो उनकी एक ब्रांड की एक चॉइस होती है, तो उस प्रकार के कस्टमर रहते कुछ, तो उसको क्या बोला है, साइक्लोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइक्लोग्राफिक इसलिए बोला है कि उनकी साइकोलॉजी उस प्रकार की रहती है कि उनका मानना रहता है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वही अच्छा है, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर ब्रांड को लाइक करते हैं और वही ब्रांड लेते हैं चाहे वो कितना भी महंगा हो। उसके बाद में बिहेवियरल सेगमेंटेशन, अब बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या है,
ये बेनिफिट हो गया, इसमें क्या क्या आता है, बेनिफिट है, ऑक्सीजन है, यूसेज रेट है और लॉयल्टी स्टेटस है। क्या है बिहेवियरल सेगमेंटेशन में बेनिफिट्स है कि प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये है। उसके बाद में ऑकेजन, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि कस्टमर ऑकेजनली बाय करता है, साल भर वो परचेज नहीं करता, लेकिन जो है वो पर्टिकुलर ऑकेजन में कुछ लोग उसके साल भर इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट को, लेकिन कुछ कस्टमर जो है वो सिर्फ वो पर्टिकुलर ऑकेजन के हिसाब से परचेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो पर्टिकुलर मिठाई है या उस प्रकार की चीज़ें हैं, तो दिवाली फेस्टिवल या दशहरा फेस्टिवल इसमें जो है वो उसका मैक्सिमम यूसेज जो है वो होता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार का है, हमारा प्रोडक्ट सीजनल है, इस प्रकार का अगर है तो उस प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज़ करना पड़ेगा कि जो साल भर ले रहे हैं उनके लिए कुछ अलग टाइप और जो ओकेजनली ले रहे हैं उनके लिए कुछ अलग प्राइस। तो यहाँ पर जो है वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में बेनिफिट्स, ऑकेजन, यहाँ पे यूजेस रेट, यूजेस रेट का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी आप लेते हैं। कई सारे जो है वो स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं, कई सारे जो है वो लार्ज क्वांटिटी लेते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमेशा आप देखो कि लार्ज क्वांटिटी जब अपन लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमको ऑफर मिलता है, ऑफर प्राइस मिलता है। ऑफर प्राइस क्यों मिलता है, क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी वो ले रहे हैं। तो कंपनी ये भी इसका भी स्टडी करती है कि कस्टमर हमारे कैसे हैं, हमारे कस्टमर जो है वो छोटी क्वांटिटी लेने वाले हैं, कम क्वांटिटी लेने वाले हैं, या फिर बल्क में लेने वाले हैं, तो बल्क में जो ले रहे हैं उनको उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। और इसी में आ गया लॉयल्टी स्टेटस, ये ध्यान में रखना है। लॉयल्टी स्टेटस ये कस्टमर के लिए बोला हुआ है कि लॉयल्टी स्टेटस किस प्रकार का है कस्टमर का। क्या क्या देखा हमने इसमें, बिहेवियरल सेगमेंटेशन में बेनिफिट, ऑकेजन, यूसेज रेट और लॉयल्टी स्टेटस। कस्टमर का लॉयल्टी स्टेटस किस प्रकार का है, तो लॉयल्टी स्टेटस में जो है हमने अलग अलग इसमें उसको डिवाइड किया है। आपके पास जो पीडीएफ है आप पीडीएफ में अच्छे से उसको देखना है। यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ आपको मिला हुआ है, इस पर बहुत सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप्स ऑफ लॉयल्टी स्टेटस, तो लॉयल्टी स्टेटस क्या है, कस्टमर को अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। पहला है हार्ड कोर लॉयल, ये कस्टमर के लिए बोला है। कैसा है कस्टमर, हार्ड कोर लॉयल है। हार्ड कोर लॉयल का मतलब क्या है, स्टे विथ ब्रांड फॉर लॉन्ग टाइम। हार्ड कोर लॉयल का मतलब क्या है कि स्टे विथ ब्रांड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कस्टमर जो ब्रांड पकड़ता है ये, वो ब्रांड बहुत लंबे समय तक वो टिका के चलता है, वो दूसरा कोई भी प्रोडक्ट लेता नहीं। अगर वो दुकान में जाएगा तो वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट मांगेगा, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरा प्रोडक्ट लेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये हार्ड कोर लॉयल कस्टमर है, अपने प्रोडक्ट के साथ लॉयल है, दूसरा प्रोडक्ट तो लेगा नहीं। दैट्स वाई इट इज ही इज कॉल्ड एज हार्ड कोर लॉयल। सेकेंड वन इज स्प्लिट लॉयल, अब इसको स्प्लिट लॉयल बोला है, हु प्रेफर टू और मोर ब्रांड। अब ये स्प्लिट लॉयल है, स्प्लिट लॉयल यानी कैसा कि ये प्रोडक्ट अगर अवेलेबल नहीं है, ये ब्रांड अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको दूसरा ब्रांड भी चलता है, ये दो प्रेफरेंसेस लेके चलता। पहला ब्रांड वो डिमांड करता है जिसको वो फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ब्रांड वो डिमांड करता है और दूसरा ब्रांड ले लेता है, उसको बोला है स्प्लिट लॉयल। उसके बाद में शिफ्टिंग लॉयल, तीसरा है शिफ्टिंग लॉयल। शिफ्टिंग लॉयल क्या है, चेंज देयर ब्रांड फ्रिक्वेंटली, ये इस प्रकार का कस्टमर है जो ब्रांड चेंज करते रहता है। आज ये ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है, वो प्रोडक्ट खत्म हो गया है, जैसे आज लक्स सोप यूज़ कर रहा है, कल जाके जो लक्स सोप खत्म हो गई अब सिंथॉल यूज़ करेगा, अब सिंथॉल खत्म हो गई अब लाइफबॉय यूज़ करेगा। तो ये जो है ये शिफ्टिंग लॉयल है, यानी इसकी लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है, कभी ये ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, कभी वो ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, कभी वो ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको बोला है शिफ्टिंग लॉयल। और चौथा जो है वो बोला है स्विचर्स या स्विचेस, कस्टमर हु हैव नो ब्रांड चॉइस, यानी स्विचेस या स्विचर, यानी ये इस प्रकार का कस्टमर है कि जिसका कोई भी ब्रांड चॉइस नहीं है। मतलब ये जब पर्टिकुलर शॉप में जाता है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट मांगता है, तो ये जो है जैसे सोप, उसको साबुन लेना है, वो सोप अगर ले रहा है तो इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं होगा, जो भी दुकानदार देगा उसमें से वो देखेगा और बस अपना कोई भी एक ले लेगा। क्या बोला है इसको, स्विचेस। स्विचेस क्यों बोला है, कस्टमर हु हैव नो ब्रांड चॉइस,
जिसका कोई भी ब्रांड चॉइस नहीं है, अगर वो सोप लेने जाता है दुकान में तो दुकानदार को सोप मंगेगा, दुकानदार जो भी दे देगा वो ये ले लेगा। तो ये ध्यान में रखना है। इस पर एमसीक्यू में शॉर्ट मार्क्स से लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि हार्डकोर लॉयल कौन सा है। तो हार्डकोर लॉयल कौन सा है? स्टे विद ब्रांड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो अपने ब्रांड को कभी नहीं छोड़ता। स्प्लिट लॉयल कौन है? हु प्रेफर टू और मोर ब्रांड्स, जिसके दो ब्रांड चॉइस रहते हैं, ये अगर अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरा लेता है। उसके बाद में शिफ्टिंग लॉयल। अब शिफ्टिंग लॉयल क्या है? चेंज देयर ब्रांड फ्रिक्वेंटली, जो फ्रिक्वेंटली अपना ब्रांड चेंज करता है, वो खत्म हो गया वो दूसरा ब्रांड लेगा, यानी शिफ्ट होता है वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के ऊपर। उस बार में स्विचेस कौन सा है? स्विचेस यानी वो है जिसका कोई भी ब्रांड चॉइस नहीं है। तो ये है अपना बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, मतलब इस प्रकार का सेगमेंटेशन जो है वो कंपनी करती है। अब जरूरी नहीं है कि वो इसी प्रकार का करेंगे, सबको सभी सेगमेंटेशन लागू होंगे जरूरी नहीं है। कंपनी इसमें का एक ऐसा रास्ता निकाल दी है कि जिसमें सभी टाइप्स जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, यानी ये भी करेंगे वो, उसके बाद में डेमोग्राफिक भी रहेगा, साइकोग्राफिक भी रहेगा, बिहेवियरल सेगमेंटेशन भी रहेगा, एज पर दी प्रोडक्ट और किस टाइप के कस्टमर है उस प्रकार से कंपनी निर्णय लेती है और जो है मार्केट को सेगमेंट करती है। और सेगमेंट करने की वजह से कंपनी के पास में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है वो कंपनी तैयार करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक पीडीएफ का जो नोट्स दिया है, तो आप ये पर्टिकुलर हेडिंग पढ़ना और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आप, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।